just go to hell. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ. एक्चुअली जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है, हम किसी से झगड़ा करते हैं, तो सबसे पहला फेज हमारे दिमाग में क्या आता है? You can go to hell, hell, hell. पर क्या आपने कभी सोचा है कि hell यानी कि नर्क एक्चुअल में दिखता कैसा है? आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, कई सारी मूवीज में भी देखा होगा कि नर्क यानी कि hell कैसा दिखता है. पर क्या आप जानते हैं कि असली नर्क इसी धरती पर है? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको. अरे अरे डरिए मत, ये वैसा वाला नर्क नहीं है. ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत जगह है. अगर आप यहाँ पर एक बार जाएंगे तो आपका वापस आने का मन तो नहीं करेगा. तो चलिए मेरे साथ और कराते हैं आपको आज नर्क यानी कि हेल की सैर. नर्क यानी हेल में जाने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्वे की फ्लाइट लेनी होगी. यहाँ पहुँचते ही आपका फोन आपको सबसे पास की लोकेशन में सबसे पहले दिखाएगा, हेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. घबराइए नहीं, दरअसल नॉर्वे के एक छोटे से शहर को हेल कहा जाता है, जिसका नाम उस क्षेत्र में लटकती चट्टान के नाम पर रखा गया है. नॉर्वेजियन भाषा में इसका अर्थ है लक यानी कि भाग्य. तो अगर आपको जीवन में कभी गुड लक की जरूरत हो तो जस्ट गो टू हेल. तो दोस्तों माना जाता है कि हेल नाम का जो ये गांव है, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है. यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -25 डिग्री तक जाता है. तो एवरी टाइम दिस प्लेस फ्रीजेस लाइक हेल. इस छोटे से गांव की आबादी करीब 1500 है. यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, एक छोटा सा स्कूल है, कुछ दुकानें हैं, यहाँ तक कि छोटा सा चर्च भी है. पर यह गांव वास्तव में केवल दो चीजों के लिए जाना जाता है. पहला है इसका रेलवे स्टेशन, जो अपने छोटे आकार के बावजूद नॉर्वे में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इस जगह पर सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाई जाती है. और दूसरा है यहाँ का एनुअल ब्लूज इन हेल फेस्टिवल. हर साल सितंबर में हेल स्टेशन पर ये ब्लूज उत्सव होता है. इसकी शुरुआत सन 1992 में हुई थी. ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है जिसमें हर साल संगीत में रुचि रखने वाले कलाकार यहाँ परफॉर्म करने आते हैं. हेल गांव अपने नाम के कारण एक छोटा सा पर्यटन आकर्षण बन गया है. ये गांव महज 260 एकड़ में बसा हुआ है. खास बात ये है कि इस गांव में दो पोस्ट कोड या पिन कोड इस्तेमाल किए जाते हैं. क्यों, खा गए ना चक्कर? तो दोस्तों अगली बार आपसे कोई कहे कि गो टू हेल, तो आप सीधा सीधा नॉर्वे की फ्लाइट पकड़ के इस जगह पर आ जाएं और उस इंसान को अपनी फोटो क्लिक करके जरूर भेज दीजिएगा. आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही. वी सी यू द नेक्स्ट टाइम और देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.